19 सितंबर को तेजी से बंद हुए भारतीय शेयर बाजार। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती से सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। कई निवेशकों के करीब 2 लाख करोड़ रुपए डूबे। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 19% की गिरावट। ये जनवरी 2022 के बाद कंपनी के शेयरों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। शराब बनाने वाली कंपनी पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया। इस शेयर ने 6 महीने में 150% से ज्यादा रिटर्न दिया। त्योहारी सीजन में बढ़ सकता है सोने चांदी का कारोबार। एक रिपोर्ट में दावा, भारत में नवंबर से मिड दिसंबर तक 25 लाख शादियों पर 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी इरेडा में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी चल रही है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी को मंजूरी दे दी है। साल का सबसे बड़ा आईपीओ लाने का तैयारी में एनटीपीसी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लाएगी 10,000 करोड़ का इश्यू। 2030-31 तक भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। 6.7% की दर से बढ़ेगी इकोनॉमी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर अब व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से एक बार में 1 लाख तक निकाल सकते हैं। अभी तक ये सीमा 50,000 रुपए की थी।